हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज मैं काफ़ी दिनों के बाद आप सभी के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। व्लॉग तो काफ़ी शूट कर रही हूँ बट शेयर नहीं कर रही हूँ। तो आज हमारी शादी को हो गए हैं 7 साल पूरे, 7 ईयर्स कंप्लीट। तो आज है 16 मई और हमारी शादी हुई थी 16 मई 2017 को। और ये देखिए, मैंने अभी डिलीवरी के बाद फर्स्ट टाइम जीन्स वियर किया आफ्टर 4-5 मंथ के बाद, क्योंकि 5-6 महीने तक तो मैं पहन रही थी और लूज़ जीन्स उसके बाद, बट मैंने ये नया लुक अपना किया है। और पेट थोड़ा बहुत था और यहाँ देखिए जानवी भी तैयार हो गई है उसकी वाटर बॉटल लेकर, क्योंकि कहीं भी जाती है ना तो उसे प्यास सबसे पहले लगती है। और आप सभी को वो हाई भी करी है। और ये हमारे बेबी बॉय, हाँ मुझे लड़का हुआ है और ये अब लगभग 3 महीने का होने वाला है थोड़े ही दिनों में। इसका नाम मैंने कुंज रखा है। तो आप सभी आशीर्वाद बनाइए। और हम तीनों तैयार होकर निकल गए। पति देव जी सुबह ही तैयार होकर चले गए थे और उनको मैंने शाम को अचानक से सरप्राइज़ दिया कि हम जा रहे हैं टाटा। तो फ़ोन करके फिर उनको मैंने डायरेक्ट ये इस्कॉन टेम्पल बुलाया था जो कि मीरा रोड में है। मैंने काफ़ी बार यहाँ का वीडियो शेयर किया है आप सभी के साथ और बहुत ही ज़्यादा सुकून मिला, मतलब मुझे है ना एकदम दिल खुश हो गया। और ये चंदन यात्रा अभी फ़िलहाल शुरू है आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा रश थी, बहुत ज़्यादा भीड़, और जाते ही इतना भजन कीर्तन चल रहा था ना, मन तो किया शेयर करूँ बट अच्छा नहीं लग रहा था। और बराबर हम पहुँचने के बाद 5-6 मिनट में दर्शन ओपन हो गए, आरती शुरू हो गई। तो आरती वगैरह करने के बाद मैं आप सभी के साथ ये शेयर कर रही हूँ, जिसमें सेंटर में है बीच में राधा कृष्ण जी, साइड में है बलभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ जी, उनके भगवान के राइट साइड में है प्रभु जी, महाप्रभु जी, चैतन्य जी और गौर निताई जी। तो और यहाँ पर देखिए मैं, जानवी और बेबी तीनों ही हम खड़े थे और मयूर शूट कर रहे थे। तो देखिए इतना आरती होने के बाद, दर्शन होने के बाद भी काफ़ी लोग यहाँ ध्यान करने, कीर्तन करने बैठे हैं और बहुत ही ज़्यादा दिल को सुकून मिलता है। आप सभी को भी मिलता है या नहीं मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। जब भी आप आपके प्रिय स्थल पर जाते हैं तो कितना प्यारा वाला, मतलब दिल खुश हो जाता है। तो यहाँ पर हमने हमारी 7वीं एनिवर्सरी मंदिर में दर्शन करने के बाद मनाई, मतलब मनाई यानी दर्शन करके बस उनके पास से आशीर्वाद लिया कि आज 7 साल पूरे हुए और आगे का सफ़र भी इसी तरह हमारा बने रहे। तो देखिए दर्शन वगैरह करने के बाद हम इस बार ही सोचा था कि बाहर खाना खाए, बट हमने डिसाइड किया कि यहाँ पर ही मंदिर का जो होता है रेस्टोरेंट कहा जाता है या होटल का कहिए, गोविंदास रेस्टोरेंट, जो कि इस्कॉन टेंपल में जहाँ भी जाए आपको मिलेगा और जो कि प्योर सात्विक होता है। तो यहाँ मैंने अपनी थाली लगा ली है और मयूर ने भी लगा ली है। तो मयूर और जानवी खा रहे थे, बार बार मैं शूट करने की कोशिश कर रही थी बट थोड़ा शर्म वरम तो आती है। और यहाँ बहुत ही टेस्टी खाना था, फिर कभी मैं फिर से यहाँ का खाने का आपको पूरा ही बताऊँगी, बट ये एक जल्दी जल्दी लुक बता रही हूँ। ये आप पीछे से जो पूरा देख रहे हैं ना पिकॉक की डिज़ाइन, वो पूरी ही बुफे है, मतलब अलग अलग काउंटर लगे हैं और बहुत ही टेस्टी खाना होता है सात्विक। तो खाना वगैरह खाने के बाद यहाँ देखिए जानवी और कुंजू की काफ़ी डिस्कशन चल रही थी कि होटल कैसा है क्या है, और बहुत दोनों बातें कर रहे थे। उसके बाद थोड़ा सा ये सारे मोमेंट्स को मैं कैच करने के लिए कुछ पिक्स निकाले हैं जो कि मैं आप सभी के साथ एक शॉर्ट स्टोरी में शेयर करती हूँ। फर्स्ट बैठे हम सभी ऑटो में, ऑटो से गए होटल, मतलब मंदिर में दर्शन करने के बाद होटल गए। होटल में ये हमारी प्रिय राजकुमारी, उसके बाद राजकुमार और राजकुमारी के साथ, होटल में पतिदेव के साथ, और फाइनली हमें हमारा फैमिली मोमेंट मिल गया। तो इस तरह से हमने हमारी 7वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट की। मिलते हैं विद अ न्यू इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।